इल्तुतमिश का अर्थ साम्राज्य का रक्षक होता है। इल्तुतमिश तुर्किस्तान की एक बड़ी काबिले का था। प्रारंभ में ही उसमें बुद्धिमत्ता व चतुराई के लक्षण दिखाई देते थे। इससे उसके भाइयों को बड़ी ईर्ष्या हो गई थी और उन्होंने उसे पैतृक घर और संरक्षण से वंचित कर दिया। परंतु विपरीत परिस्थितियों में उसके गुण नष्ट नहीं हुए और शीघ्र ही उसके जीवन में एक नया द्वार खुला। उसके गुणों से दिल्ली के तत्कालीन राज प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन का ध्यान आकृष्ट किया। अपनी योग्यता के बल से इल्तुतमिश धीरे धीरे अपना दर्जा बढ़ाता चला गया। वह बदायूं का शासक बना दिया गया और कुतुबुद्दीन की एक कन्या से उसका विवाह हो गया। खोखड़ों के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय हुई उसकी सेवाओं के उपलक्ष्य में सुल्तान के आदेश द्वारा वह दास्तव से मुक्त कर दिया गया और उसे अमीरुल उमरा का ऊंचा पद मिला। इसी प्रकार दिल्ली के सरदारों ने एक योग्य व्यक्ति को चुना, परंतु 2010 या 2021 ईस्वी में सिंहासन पर बैठने के पश्चात इल्तुतमिश ने अपने को संकटपूर्ण परिस्थितियों में पाया।